अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक टू विजो स्किल चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रही हूँ, द जॉइंट्स। जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग के, जॉइंट की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। होप सो ये आपको सारा समझ नज़र आ रहा हो। आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीन शॉट ले लिया करें, बाद में मुझसे कमेंट आ रहे होते हैं कि काइंडली ये शेयर कर दें या जो भी, इसका स्क्रीन शॉट ले लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। ये आई थिंक सो अभी आपको सही नज़र आ रहा है। तो जॉइंट्स, सबसे पहले जॉइंट्स क्या होते हैं वो करेंगे कि जॉइंट्स की क्या क्लासिफिकेशन, जॉइंट्स क्या हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं आपस में और वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं एक दूसरे को, तो वो क्या बनाते हैं, दो बोन्स आपस में मिलती हैं उनको कहते हैं जॉइंट्स, या दो का एक बोन और एक कार्टिलेज मिलके जो कॉन्टैक्ट आपस में एक कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, उसको कहते हैं जॉइंट। ठीक है, और स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या कहते हैं, आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स को कहते हैं। तो ये था हमारे पास जॉइंट्स के, जाओ जॉइंट्स का क्या, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। जॉइंट हमारा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मीजोडर्मल। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिनल होती है इसकी, कि मीजोडर्म जो ड्यूरिंग डिवेलपमेंट, ड्यूरिंग इन्फेंट लाइफ, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास इंट्रायूट्राइन लाइफ में मीजोडर्म जो है वो जॉइंट बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसकी आगे हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और किस तरह से हर किस्म के जॉइंट्स होते हैं। कुछ मूवेबल होते हैं, कुछ इमूवेबल होते हैं, और कुछ पार्शली मूवेबल होते हैं, थोड़े थोड़े मूव करते हैं और थोड़े मूव नहीं करते। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन बताऊँगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आपने टोटल कितने जॉइंट आपकी बॉडी में प्रेजेंट है और कौन से जॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिब्रस जॉइंट। तो फिब्रस जॉइंट इज़ टोटली इमूवेबल जॉइंट होता है, जो बिल्कुल मूव नहीं करता। ठीक है, फिब्रस जॉइंट में हमारे पास आगे तीन इसके क्लासिफिकेशन आती है, सूचर, गोम्फोसिस एंड सेंडमोसिस। सूचर इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्कल। स्कल में जितनी भी हमारे पास जितनी भी जॉइंट्स आपस में जो जुड़े होते हैं स्कल बोन्स, वो मूवेबल इमूवेबल होती है, मूव नहीं कर सकती, तो उसको कहते हैं सूचर। आपको नीचे मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है, ये देखिए ये स्कल है, स्कल की ये बोन आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इनको इन्होंने क्या कहा है, सूचर। अब इनके डिफरेंट नाम है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये वाला क्रोनल सूचर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला लैम्बॉयड सूचर, ये दरमियान वाला सूचर, इन सबको सैजिटल सूचर, सबको सूचर के नाम से जॉइंट्स को नाम दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस हमारे दांत और जबड़ा जो होता है ना, दांत और जबड़े के दरमियान में ये वाला जो जॉइंट होता है, ये भी इमूवेबल होता है, इसको हम लोग कहते हैं गोम्फोसिस। ठीक है, द जॉइंट बिटवीन द सूचर के आगे बहुत सी एग्जाम्पल है, फिलहाल आपने सब ये समझना है। जॉइंट बिटवीन द हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान में, दांत के दरमियान में, ठीक है, लोअर जाव और अपर जाव में जो हमारे मैंडिबल और मैगजिला और मैंडिबल जो उसके साथ अटैच है, वहाँ पे जो जॉइंट है उनको कहते हैं गोम्फोसिस। और उसके बाद अगला जो है हमारे पास है सेडेस्मोसिस। सेडेस्मोसिस भी क्या है, एक फिब्रस जॉइंट है, वो क्या करता है, दो जॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है थ्रू इंट्रोशियाई लिगामेंट। इंट्रोशियाई लिगामेंट अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, इंट्रोशियाई लिगामेंट क्या मतलब है, तो मैं आप लोगों को एटलस से ढूंढ के बताती हूँ कि इंट्रोशियाई लिगामेंट किसको कहा गया है। ये लें जी एटलस प्लेट नंबर 1501। अब मैं इंट्रोशियाई लिगामेंट का बताती हूँ क्या है। ये दो बोन्स हैं हमारी लेग की, बोन है टिबिया एंड फेब्यूला। टिबिया एंड फेब्यूला के दरमियान में हमारे पास ये इंट्रोशियाई लिगामेंट है, ये जिसने टिबिया और फेब्यूला को आपस में जोड़ के रखा है। इसी तरह हमारे पास फोर आर्म में जो बोन है उनके अंदर जो है, वहाँ पे भी हमारे पास फोर आर्म में भी जो दरमियान में जिसने जोड़ के रखा होता है वो क्या होता है, उसका नाम होता है हमारे पास इसको कहते हैं सेंडेस्मोसिस। मीन्स ये भी इमूवेबल होता है, इसने भी मूव नहीं करता, ये किसी इन बोन्स को मूव नहीं करने देता, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होने देता। उसके बाद हमारे बॉडी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, फोर आर्म, रेडियस और अल्ना में भी हमारे पास इंट्रोशियाई लिगामेंट होता है, जिसने इन दो बोन्स को रेडियस और अल्ना मीन की जो हमारी आर्म की बोन है उनको भी इसी तरह से जोड़ के रखा होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, फिब्रस जॉइंट की एग्जांपल हो गई। अब तीन मैंने बता दिए, एक मैंने सूचर बताया, दूसरा मैंने गोम्फोसिस बताया एंड तीसरा मैंने सेंडेस्मोसिस बताया। तो तीनों में क्या है, तीनों इमूवेबल जॉइंट है लेकिन डिफरेंट जगह पर प्रेजेंट है। जैसे कि सूचर मैंने स्कल में बता दिया, गोम्फोसिस मैंने आपको अपना आपका जबड़ा जो है मैगजिला और मैंडिबल में जो आपके सॉकेट, पूरी दांतों की सॉकेट जो है वहाँ पे जो जॉइंट बना हुआ है
वो है हमारे पास गॉम्फोसिस, और सेंडेस्मोसिस जो है वो हमारे पास क्या है, जो दो बोन्स को आपस में एक इंट्रोशियल मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच किया हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग सेंडेस्मोसिस। अब नेक्स्ट जो जो आ जाते हैं हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो नेक्स्ट हमारी जो है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है, ठीक है, कार्टिलेज, ठीक है, वो ज्वाइंट का वो ज्वाइंट जो कार्टिलेज जो है वो बोन के साथ अटैच है, ठीक है, वो होती है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। ये होता है स्लाइटली इमूवेबल ज्वाइंट होता है, ज़्यादा मूव नहीं करता, तो ये इसको कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स कहते हैं। इसके अंदर प्राइमरी कार्टिलेजिनियस होती है और सेकेंडरी कार्टिलेज होती है, ठीक है, इसको हम लोग ने एलेबरेट करके बाद में पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास अगला जो होता है वो साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट इज़ अ टोटली इमूवेबल ज्वाइंट, जितने भी आपके बॉडी के ज्वाइंट है जो टोटली इमूवेबल है, सॉरी जो क्या है मूवेबल है, जो मूव कर सकते हैं आसानी से इन ऑल डायरेक्शन, इसको कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। और हमारी बॉडी का सबसे बड़ा साइनोवियल ज्वाइंट है वो है नी ज्वाइंट, ठीक है, तो नी ज्वाइंट इज़ अ बिगेस्ट साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है, जो सबसे बड़ा ज्वाइंट है जो टोटली मूवेबल होते हैं उनको कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन थी, आगे जो है एलेबरेट करके सारे टॉपिक्स को समझाऊंगी। आज के टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।